तो अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हो जाए तो ऐसी कौन सी दवा दी जाए जिसको इस्तेमाल करने के बाद उसे 2 से 3 दिन में काफ़ी राहत हो, इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, नए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अब किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत होता है, उन्हें सीने में दर्द होने लगता है, खांसी बार बार होती है और सोते समय भी ये परेशानी होने लगती है। आपको भी इस तरीके की समस्या है तो मैं कुछ मेडिसिन बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही फेमस दवाइयाँ आती है, वो है आपका कोरेक्स डीएक्स। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर कई सारे आपको कोरेक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको कोरेक्स डीएक्स वाली लेनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेना है अगर आप वयस्क हैं तो। अगर बच्चे हैं तो इसके जो डोजेज हैं आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने बच्चे के वजन और एज के हिसाब से। अब हम बात करते हैं दूसरे दवाइयों के बारे में। तो जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो है आपको मोंडुकालास्ट और लिगोसिटीजिन का कंपोजिशन मोंटेर एलसी टैबलेट। इसे एक टैबलेट जो है प्रतिदिन रात को लेनी है 5 दिन तक। और तीसरी दवाइयाँ आती है आपको टस्क्यू, जैसा कि देख पा रहे हैं टस्क्यू लॉजेंजेज आती है, जो कि इसे आपको टॉफी की तरह सुबह, दोपहर, शाम आपको दिन में 3 से 4 बार भी इसको टॉफी की तरह लेना है। आप इस तरीके से 3 दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो, सूखी खांसी हो, आपको इसे 2 से 3 दिन में जो आपको निजात मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।